What does that show? What does that show? What does that show? What does that show? What does that? What does that show? सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष। तो आप देख रहे हैं सीनियर आयुष वाई टी। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ m1887 से हेडशॉट कैसे मारते हैं भाई। वन टैप की बात करने वाला। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा भाई। तो थंबनेल देख के मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 100% वर्किंग ट्रिक्स है ये आज का वीडियो। तो बिल्कुल आप एंडिंग तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस मैं चले, तो मैं आप लोगों को कुछ बता देने वाला हूँ। मतलब जो वन टैप, मतलब काफ़ी बंदों ने मेरे को बोला कि दो गोली शॉटगन से मतलब वन टैप वाला मतलब ट्रिक्स बताओ। तो भाई मैंने आज वो वीडियो लाया हुआ है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो गाइस मैं जो बोलने वाला हूँ कि मतलब क्या वन टैप्स मारने के लिए जो काफ़ी बंदे होते हैं नहीं मार पाते, तो उन लोगों की खासकर प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है गाइस उनकी सेटिंग भाई। मतलब जैसे कि अभी हो सकता है कि बंदे की मतलब मोबाइल का कम से कम सेंसिटिविटी लो हो, या फिर सेटिंग्स उनका थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं हो। आप फायरिंग बटन थोड़ा सा छोटा करना है भाई। पहला टिप्स यही है भाई कि फायरिंग बटन थोड़ा सा छोटा रखना है आपका, मतलब जो फायरिंग का होता है उससे ट्रैक करने के लिए। तो गाइस दूसरा, ये जो दूसरा है ये है जनरल सेंसिटिविटी। तो मतलब सेंसिटिविटी आपके मोबाइल के हिसाब से होती है, पीसी प्लेयरों की बात अलग है भाई। सेंसिटिविटी दूसरा नंबर पे आता है। तो गाइस सेंसिटिविटी मेरा मोबाइल का मतलब 3 GB रैम है, तो मतलब उतना ज़्यादा मेरा है नहीं। तो दिखा देता हूँ कि आप लोगों को सेंसिटिविटी कितना रखना है। तो गाइस सेंसिटिविटी आप लोगों को बिल्कुल मतलब छेड़छाड़ नहीं करना है। सेंसिटिविटी आप लोगों को जितना है उतना रखना है, मतलब अगर उससे भी ज़्यादा हो सके तो आपको उतना ही रखना है, पर रेट से कम तो बिल्कुल रखिए ही मत, मतलब किसी भी तरह से। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई जल्दी से फटाक से बिना कुछ सोचे हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। नहीं जब भेज दिए भाई, भाई यार लाइक करने में क्या जाता भाई, कर दो ना। नहीं खैर छोड़ो गाइस, तो मैं अवतार पे आ जाता हूँ। तो अगला जो है आपको शॉर्ट रेंज से बिल्कुल फाइट नहीं लेना भाई। अगला टिप्स यही है कि शॉर्ट रेंज से बिल्कुल फाइट नहीं लेना है, क्योंकि आपका सेंसिटिविटी लो है, आपका डायरेक्ट हेड नहीं छिड़केगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको मिड रेंज जरूर मतलब बनाए रखना है एनिमी से शॉर्ट रेंज के लिए। मतलब मिड रेंज मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं, ज़्यादा भी सामने नहीं, मतलब मिड रेंज एकदम बिल्कुल, तब आपका हेड परफेक्ट लगेगा। तो दूसरा इसका बाद जो आने वाला है वो है बॉडी परफेक्शन। मतलब आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन आपको जब करके मारेगा तो सीधा हेड लगेगा काफ़ी, ये पहले एक होता है। और एक होता है आपको डायरेक्ट, वो एक बंदा खड़ा होगा तो आपको सीधा यहाँ पे देखिए इस तरह से मार सकती है आप, मतलब थोड़ी सी ड्रैग करना है आपको बॉडी में। अच्छे से परफेक्ट मार रहा है, बॉडी एनिमी हिल रहा है, तो आपको जंप करके मारने से मतलब आपका हेड जरूर लगेगा, मतलब ये मैं लिख के देता हूँ। तो गाइस चलिए, मतलब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं करने वाला। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पर। भाई कमेंट कर दीजिए कि अगला मेरा कंटेंट क्या होगा गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पर।